Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. स्पोर्ट्स 360 के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमाद सदीकी, और आज आपको कुछ थोड़ा सी बताते चलूं कि उमर गुल जो कि T20 स्पेशलिस्ट और 2009 का वर्ल्ड कप जो हम जीते हैं उसमें उनकी परफॉर्मेंस जो थी बहुत सिग्निफिकेंट थी, और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट T20 वन डे एंड टेस्ट मैचेस उनसे रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और एक ये ऐसा मोमेंट होता है एक प्लेयर की कि जिसने पूरी लाइफ उसका ब्रेड एंड बटर जो है उससे रिलेटेड था क्रिकेट से, और उसने उसको गुड बाय कर दिया फॉर ऑल मींस। आपको थोड़ी सी हैरत तो होगी कि उमर गुल अभी भी खेल रहे थे और एकदम से उन्होंने ये फैसला क्यों किया। ऑफ लेट उनकी नी इंजरी जो थी उनको काफ़ी ट्रबल कर रही थी, और फास्ट बॉलर के लिए नी का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। हमें पता है कि हमारे फॉर्मर कैप्टन इमरान खान जब क्रिकेट खेल रहे थे तो उनके 2 साल इसी उसकी वजह से नी इंजरी की वजह से ज़ाया हुए। तो एक तरह से बॉलर का जितना स्ट्रेस नी पे पड़ता है वो उसको सस्टेन नहीं कर सकते। उमर गुल बेहतरीन वनडे और T20 के बॉलर, T20 फॉर्मेट में एक टाइम पे वो सबसे ज़्यादा विकेट टेकर थे। उन्होंने T20 मैचेस में 85 विकेट्स हासिल की, और इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि उन्होंने 47 टेस्ट मैचेस में 163 विकेट्स एट एन एवरेज ऑफ 34.06 विद बेस्ट बॉलिंग फिगर ऑफ 4 for 96। ये उनकी बेस्ट बॉलिंग एनालिसिस है। वनडे इंटरनेशनल में 130 मैचेस में 179 विकेट्स उन्होंने हासिल किए, और T20 इंटरनेशनल में 60 मैचेस खेले और 85 विकेट्स हासिल की। 5 for 6 उनकी बेस्ट बॉलिंग एनालिसिस थी, और टेस्ट मैचेस में आपको बताते चलूँ कि दोनों इनिंग्स में मिला के 9 for 164 उमर गुल की बेस्ट बॉलिंग थी, और इसी तरह वनडे इंटरनेशनल में 6 for 42 इनकी बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस। Pakistan fast bowler Umar Gul has announced retirement from all forms of cricket. Gul, 36, who represented Pakistan in 47 tests, 130 ODIs and 60 T20s from 2003 to 2016, made the decision after his side, Balochistan, were eliminated from the National T20 Cup against Southern Punjab. After the game, a visibly emotional Gul thanked his family, coaches and teammates throughout his career, and was given a guard of honor by both sets of players. Gul from Peshawar retires as a modern great of Pakistan fast bowling. He was the leading wicket taker during Pakistan's run to the 2007 World T20 final, and also the leading wicket taker in the 2009 edition when Pakistan won the trophy. He spent much of his time heading the world T20 rankings with a reputation as the best Yorker bowler in format. His career best, 5 for 6 against New Zealand at the World T20 in 2009, were at this time the best ever T20 bowling figures. Currently, he's part of the PCB's cricket committee. He began his career on the under-19 circuit and represented Pakistan in the U19 Cricket World Cup 2002 in New Zealand. He had played just 9 first-class matches when he was called up for the national side after Pakistan's disastrous performance at the 2003 World Cup that saw both Wasim Akram and Waqar Yunus fade away. He played 125 first-class 213 List A and 167 T20 matches, in which he took a total of 987 wickets. बहुत अच्छे यूटिलिटी प्लेयर थे, कुछ लेट ऑर्डर में आके एक आध छक्के भी मार देते, मैच को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी बना देते थे। अफरीदी के साथ एक इनिंग में उन्होंने ज़बरदस्त छक्का भी मारा UAE में, हमें याद है। अब मैं आपको अफरीदी का नाम आ गया तो अफरीदी के हवाले से बहुत सारी खबरें हर वक्त चलती हैं। हमें पता है कि 1996 से जब से अफरीदी ने अपना डेब्यू किया था इन वन डे इंटरनेशनल, जिसमें उन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई थी ऑफ 36 बॉल, और रिसेंटली जो नेशनल वन डे कप हो रहा है पाकिस्तान में मुल्तान और रावलपिंडी में, उसमें बन्नू के एक बैट्समैन हैं जिनका नाम है खुशदिल शाह, उन्होंने अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 35 बॉल्स में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की।
शाहिद खान आफरीदी, एवरीबॉडी नोज हिम के ही प्लेड 27 टेस्ट मैचेस एंड स्कोर 1716 रन विद द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ 156। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आफरीदी के अगर करियर की करते हैं तो वनडे इंटरनेशनल में जिसमें उन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर की, उसके उसमें उन्होंने जो हाई स्कोर बनाया वो था 124। और इसी तरह T20 इंटरनेशनल्स में 99 मैचेस खेले, 100 नहीं खेले, 99 मैचेस खेले और 99 मैचेस में 1416 स्कोर किया उन्होंने। बेस्ट परफॉर्मेंस थी उनकी, उन्होंने 54 रन बनाए। लेकिन अब मैं जिस पार्ट की तरफ लेकर आना चाह रहा हूँ आपको, वो ये है कि आफरीदी स्टिल होल्ड्स द मोस्ट सक्सेस इन एनी फॉर्म ऑफ क्रिकेट, बी इट टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में 52 सिक्सेस, वन डे इंटरनेशनल में 351 सिक्सेस आफरीदी ने लगाए और इसी तरह T20 फॉर्मेट में उन्होंने 73 सिक्सेस लगाए। तो आफरीदी एक ऐसी कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी है कि लोग, क्राउड जो है वो आफरीदी की बैटिंग देखना चाहते हैं, आफरीदी को खेलता हुआ देखना चाहते हैं कि ये प्लेयर जब क्रीज पर आएगा तो उन्हें बिग हिट्स नज़र आएंगे, उन्हें बाउंड्रीज नज़र आएंगे, छक्के और चौके, जो एक T20 फॉर्मेट का एक चार्म है वो जो क्राउड इन्जॉय करना आता है। तो आफरीदी इज़ रिलेटेड टू दैट। बनू से ताल्लुक़ रखते हैं खुशदिल शाह, और खुशदिल शाह रिसेंटली T20 में भी आ गए हैं, एक मैच खेला, ऑल्दो के रन इतने ज़्यादा नहीं बनाए, 8 ही रन बनाए, लेकिन एक यूटिलिटी प्लेयर है, हमें ऑलराउंडर की कमी महसूस होती है। तो खुशदिल शाह लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर भी हैं और प्लस लेफ्ट आर्म बैट्समैन भी हैं, तो एक अच्छी एसेट साबित हो सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो होपफुली जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आ रही है, और जिम्बाब्वे ने रावलपिंडी में 3 वनडे इंटरनेशनल और कदाफी स्टेडियम लाहौर में 3 T20 मैचेस खेले, और इसके बाद ही एक और टूर है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, देन पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, अभी बातचीत चल रही है, देखते हैं कि इंग्लैंड टीम पाकिस्तान में T20 मैचेस खेलने आती है नहीं, लेकिन बोर्ड की, दोनों बोर्ड्स की, इंग्लैंड और पाकिस्तान की आपस में बातचीत चल रही है। देन पाकिस्तान टूर ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आ रही है, तो ये पाकिस्तान में क्रिकेट काफ़ी हद तक वापस आ रही है। और इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इसका असरात पाकिस्तान क्रिकेट पे बहुत अच्छे होंगे, और वो इस तरह होंगे कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आने से जो यूथ है हमारी, जो आप मेरी बैक साइड पे देख भी रहे होंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट, लोकल क्रिकेट जो है, उधर से आपको प्लेयर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। क्रिकेट असल में ये फॉलो करते हैं, इनके आइडियल होते हैं, रोल मॉडल्स होते हैं, जैसे वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, ये ऐसे प्लेयर थे, इंजमाम उलहक, जावेद मियांदाद, लोग इन जैसा बनना चाहते थे। तो जब ग्राउंड आबाद होंगे और आपको क्रिकेट नज़र आएगी तो इन्हीं में से आपको, जिस तरह अभी रिसेंटली हमें बाबर आजम, हैदर अली, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हसनैन, ये वो प्लेयर्स हैं जो मिल रहे हैं। और जब रेगुलर क्रिकेट होगी तो पाकिस्तान के क्रिकेट को इस तरह के प्लेयर्स रेगुलरली मिलते रहेंगे।